हेलो डियर फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ऑसम ट्रेनिंग ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, मैं मनीष राव का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑसम ट्रेनिंग ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों, अभी आपने स्टार्टिंग में देखा तो फ्रेंड्स, इस तरह की स्टेटस वीडियो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रही है। तो दोस्तों, अगर इस तरह की स्टेटस वीडियो आप भी बनाना चाहते हो फ्रेंड्स, पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, इस एडिटिंग को मैंने किया काइनोस्टर एप्लीकेशन की मदद से, तो अगर आप भी करना चाहते हो तो पूरी वीडियो को देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स, इस एडिटिंग के लिए जो भी मटेरियल्स का यूज हुआ है वो मेरी वेबसाइट पर अपलोड है, आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है। फिर भी डाउनलोड करने में वो एक परेशानी होती है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो, उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, आप इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। डाउनलोड करने के बाद आ जाइएगा फ़ोन के स्क्रीन पे, ओपन कीजिएगा काइनमास्टर एप्लीकेशन को और एडिटिंग कीजिएगा स्टार्ट। तो चलिए हम चलते हैं फ़ोन के स्क्रीन पर। सो गाइस, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर दिया। देन ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो फ्रेंड्स, ये न्यू वाला काइनमास्टर है, अगर आपके पास नहीं है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है और टेलीग्राम पे भी अपलोड है, व्हाट्सएप वेबसाइट पे भी अपलोड है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। कुछ फ्रेंड के फ़ोन में शायद वर्क नहीं करता है, बट मेरे फ़ोन में काफ़ी बेटर वर्क कर रहा है। तो आपका डिवाइस में ये सपोर्ट नहीं कर रहा होगा, इसलिए वर्क नहीं कर रहा है। इस प्रॉब्लम का सलूशन मैं जल्द लेकर आऊँगा। मैं कोशिश यही करता हूँ मेरे जितने भी यूज़र हैं सभी के फ़ोन में मैं जो काइनमास्टर यूज़ करता हूँ वही वर्क करें। बट अगर ये भी वर्क नहीं कर रहा है तो आप 5.10 वाला जो यूज करते थे, 5.2.10 वाला, तो उसका यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी सारे फीचर्स जो भी इसमें हैं। तो चलिए हम एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। तो काइनमास्टर ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ गया। क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक कीजिएगा, सोलन होकर एसो सेलेक्ट कीजिए, यहाँ क्रिएट पर क्लिक कर दीजिएगा। कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, यहाँ पे आपको इमेज पे क्लिक करना है और फ्रेंड्स ब्लैक वाला इमेज सेलेक्ट कर लेना है। देन इसके ड्यूरेशन को आपको बढ़ा देना है, जितना टाइम स्टेटस बनाना चाहते हो उतना टाइम कर लीजिएगा। तो चलिए मैं 30 सेकंड यहाँ पे रहने देता हूँ, जैसे आप देख सकते हैं। और फिर स्टार्टिंग में आ जाएंगे, यहाँ पर राइट क्लिक कर देंगे। करने के बाद लेयर पर क्लिक करना है, यहाँ पर मीडिया में जाना है। और फ्रेंड्स, मीडिया में जाने के बाद आपको सिंपली डाउनलोड में चले जाना है। फ्रेंड्स, डाउनलोड में जाने के बाद यहाँ पर लीफ वाला जो ये वाला वीडियो देख सकते हैं, इमेज सॉरी वीडियो, तो इसे ले लीजिएगा। लेने के बाद नीचे स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन आएगा, इस पर टैप कर दीजिएगा और फुल स्क्रीन करने के बाद इस वीडियो को सिलेक्ट कीजिएगा, इसके लास्ट में आ जाइएगा। और जितना टाइम का वीडियो है ऊपर वाले को भी उतना टाइम कर लीजिएगा, दोनों से हाथ में ही बराबर रखेंगे। तो 30 सेकंड का है तो परफेक्टली 30 सेकंड रखते हैं, जो एक्स्ट्रा बच जाता है उसे कट कर देते हैं। इसके बाद स्टार्टिंग में आ जाइएगा, लेयर पर टाइप कीजिएगा, मीडियम जाइएगा। और फ्रेंड्स, मीडियम जाने के बाद यहाँ पे आपको इमेज ले लेना है, तो दो टू इमेज आप ले लीजिएगा, जो भी इमेज पे एडिटिंग करना चाहते हो उस इमेज को सिंपली ले लीजिएगा। तो मेरे पास कुछ फोटोज है, तो मैं इसमें से दो टू इमेज थोड़ा एच डी क्वालिटी का जो पिक्चर होगा उसे हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। तो फिर सबसे पहला पिक्चर मैं यहाँ पर इसे ले लेता हूँ, फिर इसे हल्का सा रोटेट करते हैं और इस सामने लेकर आते हैं यहाँ पर, और थ्री डॉट पर क्लिक करके सेंड टू बैक कर देते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा इमेज जो दिख नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो वीडियो है इसे सेलेक्ट करेंगे, नीचे जाएंगे, यहाँ पे क्रोमा की पे क्लिक करेंगे और फ्रेंड्स यहाँ पे इसे इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद की कलर में जाइएगा और यहाँ पे ग्रीन वाला सेलेक्ट कर लीजिएगा, फिर यहाँ पे राइट क्लिक कर दीजिएगा। तो कुछ इस तरह से आ गया। अब यहाँ पे जो हम इमेज लिए, इस इमेज को सिलेक्ट करेंगे, इमेज को हल्का सा छोटा करेंगे इस तरह से, जैसे आप देख सकते हैं। और परफेक्ट यहाँ पे जो लीफ है, इस लीफ पे आपको परफेक्ट अच्छी तरह से यहाँ पे इसे एडजस्ट करना होगा। तो इस तरह से हम थोड़ा रोटेट करते हैं ताकि यहाँ पे अच्छे से दिखे, और ये देख सकते हैं काफ़ी स्मूथली यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है। अब सिंपली इसे स्क्रॉल करके इसके लेंथ को लास्ट तक कर देंगे। इसके बाद थ्री डॉट पे क्लिक करके इसके एक तो डुप्लीकेट कर लीजिएगा, डुप्लीकेट वाले को सिलेक्ट कीजिएगा, इस साइड में लेकर आ जाइए, इसे थोड़ा सा जूम कीजिएगा यहाँ पे रख के, और यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक कीजिएगा, सेंड टू बैक कर दीजिएगा। तो ये सबसे लास्ट में चला जाएगा, आपको कोई परेशानी ही नहीं होगी। अब आपको रिप्लेस पे क्लिक करना है, दूसरा इमेज यहाँ पे ले लेना है। तो सिंपली यहाँ पे मेरे पास जहाँ पे फ़ोटो है, मैं चलता हूँ फिर से और दूसरा फ़ोटो मैं यहाँ से ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं ये वाला फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पे एडजस्ट हो गया, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब यहाँ से बैक आएंगे, फिर मेरा नीचे वाला जो फ़ोटो है वो थोड़ा सही नहीं लग रहा है, तो मैं दूसरा ले लेता हूँ कोई सा फ़ोटो। यहाँ पे आप भी लीजिएगा इस टाइप का कोई फ़ोटो लीजिएगा, जो फोकस उसका फेस जो फोकस हो, तो सामने की तरफ फोकस होगा तो अच्छा लगेगा, तो उस टाइप का ही लीजिएगा। तो जैसे यहाँ पर देख सकते ये वाला सही लग रहा है आप। चलिए, इसे लेने के बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स, ये वाला जो ऑप्शन देख सकते हैं इस पर टैप करना है।
टैप करने के बाद सेव एज वीडियो पे क्लिक कर देना है, और वीडियो जब तक सेव होगा आपके गैलरी में थोड़ा सा वेट कर लेना है, क्योंकि वीडियो सेव होने में थोड़ा तो टाइम लगेगा ही। तो अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में ही थंब का ऑप्शन है, तो एक लाइक और दूसरा डिसलाइक का है, तो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, मेरी वीडियो पसंद नहीं आती डिसलाइक कर दीजिए, और कुछ प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपका सलूशन तो लेके आता ही हूँ, हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई देता हूँ। तो चलिए यहाँ से बैक करते हैं, बैक करने के बाद फिर से आपको क्रिएट न्यू में जाना है, और फ्रेंड्स यहाँ पे न्यू वाला प्रोजेक्ट ले लेना है, लेने के बाद फिर से इमेज एक्सिस में जाना है, यहाँ से एक थोड़ी इमेज लेना है, इसके लेंथ को आपको बढ़ा देना, जितना टाइम का स्टेटस बना रहे हो उतना टाइम कर लीजिएगा, फिर स्टार्टिंग में आ जाइएगा, यहाँ स्क्रीन पर टाइप कीजिएगा, लेयर पर क्लिक कीजिएगा, मीडियम देगा, और फ्रेंड्स मीडियम जाने के बाद यहाँ पर एक और इमेज आपको ले लेना है, जो भी इमेज पर एडिटिंग कर रहे हैं उस इमेज को यहाँ पर ले लीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप जो भी इमेज लेंगे पूरे स्क्रीन पे वो इमेज आना चाहिए, तो डेस्कटॉप टाइप जो डेस्कटॉप वॉलपेपर टाइप जो इमेज होता है उस टाइप की इमेज आप लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो अगर आपके पास है उस टाइप की इमेज तो आप ले सकते हैं, बट फिलहाल तो मेरे पास नहीं है, तो मैं इसी में से कोई इमेज का से काम करूँगा, तो मैं तब तक के लिए ये वाली इमेज को लेता हूँ, फिर इसे आपको इस तरह से यहाँ पर जूम करना है, जो भी इमेज आप लेंगे उसे इस तरह से आपको जूम करना है, थोड़ा सा और इसे जूम करेंगे तो अभी ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से इमेज यहाँ पे हमारा जो एडजस्ट हो रहा है यहाँ पे इस तरह से, ठीक है, तो थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, इतना पे रखते हैं, अब इसके लेंथ को स्क्रॉल करके लास्ट तक कर लेंगे, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं यहाँ पे ये रहा, ठीक है, अब इमेज कुछ इस तरह से यहाँ पर एडजस्ट हो गया, देन यहाँ से आपको बैक करना है, लेयर पर टैप करना है, मीडियम जाना है, ऑफेंस मीडियम जाने के बाद आपको वो मतलब वीडियो ले लेना है जो अभी आप वहाँ से बना कर लाए हैं, वीडियो लेने के बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन पे क्लिक कीजिए और इसे फुल स्क्रीन कर लीजिए, कुछ इस तरह से आ जाएगा, देन इसके लास्ट में आ जाइएगा और दोनों को बराबर कर लीजिए इसी के बराबर में, तो एक्स्ट्रा जो बच गया उसे हम कट कर देते हैं, और फ्रेंड्स इस वीडियो को सिलेक्ट कीजिए, नीचे स्क्रॉल कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको क्रोमा की का ऑप्शन मिलता है, इस पर टैप कीजिएगा, टैप करने बाद इसे इनेबल कर दीजिएगा, इनेबल करने पे कुछ इस तरह से आ जाएगा, इसे हल्का सा एडजस्ट कर लीजिएगा ताकि थोड़ा बोल्ड दिखे सही से, और नीचे वाला इमेज भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पे दिख रहा है, अभी इसे प्ले करते तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आता है, बट इसमें हमें क्या करना है, आगे आ जाना है, लेयर्स पे टाइप करना है, मीडियम जाना है, ऑफेंस मीडियम जाने के बाद आपको इसमें डाउनलोड में चले जाना है, डाउनलोड में जाने के बाद आपको मैंने एक जो म्यूजिक वाला बीट होता है इस टाइप का आप देख रहे हैं तो इसे ले लेना है, लेने के बाद इसे थोड़ा छोटा कीजिएगा, आप जहाँ पर भी रखना चाहते हैं इसे रख लीजिएगा, तो चलिए मैं तब तक के लिए यहाँ पर रखता हूँ, और मेरे में आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में भी व्हाइट है और ये भी व्हाइट है तो यहाँ पे वर्क नहीं करेगा सही से, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन आ रहा है, इस पर टैप करेंगे, बेसिक में क्लिक करेंगे या B05 पे क्लिक कर देंगे तो व्हाइट ब्लैक हो जाएगा, ब्लैक व्हाइट हो जाएगा, अभी ये सही से वर्क करेगा, अब यहाँ से बैक आ जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर ब्लेंडिंग का ऑप्शन आपको दिख जाएगा, सिंपली ब्लेंडिंग पे टैप करेंगे, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ब्लैक वाला हमारा जो है यहाँ पर पार्ट दिख रहा है, व्हाइट वाला यहाँ से डिलीट हो गया, अब यहाँ से बैक आ जाएंगे, बैक आने के बाद फ्रेंड्स एक सॉन्ग की ज़रूरत होगी तो जो भी सॉन्ग पे एडिटिंग करना चाहते हो सॉन्ग को ले लीजिएगा, तो लेयर पे टैप करेंगे, मीडियम जाएंगे, और फ्रेंड्स मीडियम जाने के बाद जो भी सॉन्ग पे एडिटिंग करना चाहते हो सॉन्ग को ले लीजिएगा, तो देख सकते हैं मेरे पास अभी यह सॉन्ग यहाँ पर है तो मैं तब तक के लिए इसी सॉन्ग को यहाँ पर ले लेता हूँ, अब ये सॉरी ये गलत सॉन्ग है, इसमें सिर्फ सॉन्ग था बीट नहीं था, तो यहाँ से मैं तब तक के लिए चलिए मैं तब तक के लिए ये वाली सॉन्ग को लेता हूँ, और यहाँ पे सॉन्ग थोड़ा छोटा हो गया तो हम क्या करें सॉन्ग के लास्ट में आएंगे और सबसे फर्स्ट वाला जो इमेज है उसे हम थोड़ा सा छोटा कर देंगे, ठीक है, सॉन्ग के बराबर में ही आप रखिएगा जो भी होगा, अब यहाँ पे लिरिक्स को आपको इस तरह से थोड़ा छोटा कर लेना है, और फिर आपको क्या करना है ये जो म्यूजिक बीट लगाए हैं वहाँ पर लेकर आ जाइएगा, आने के बाद फ्रेंड्स नीचे स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पे ब्लेंडिंग पे टैप कर दीजिएगा, ब्लेंडिंग पे टैप करने के बाद यहाँ पे स्क्रीन कर लीजिएगा, कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, इसे आप एडजस्ट कर लीजिए यहाँ पे, और फिर यहाँ से बैक कीजिएगा, अभी आप प्ले करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो ये सही से पिक्चर जो हमारा नहीं दिख रहा है तो क्या करेंगे इस पिक्चर पर क्लिक कर लीजिएगा, और फ्रेंड्स यहाँ पर इस पिक्चर पर आपको क्लिक नहीं करना है, सिंपली यहाँ पर एक इफेक्ट आपको डाउनलोड करना होगा, तो मैं जल्दी से डाउनलोड कर लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ उसे यूज़ कैसे करना है,
तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं बिजेंट वाला जो इफेक्ट है इसी को आपको डाउनलोड करना है, मिलेगा कैसे मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ लेयर्स पे टैप कीजिएगा, एफएक्स पे क्लिक कीजिएगा, एफएक्स पे क्लिक करने के बाद इस वाले बॉक्स पे टैप कीजिएगा। टैप करने के बाद यहाँ सर्च वाले ऑप्शन पर आप सर्च कर सकते हैं या फिर लेंस में चले जाइए। लेंस में जाने के बाद यहाँ पे आपको बिजेंट मिल जाता है ऊपर में, उसे डाउनलोड कर लीजिए। देन डाउनलोड करने के बाद बैक आने के बाद बिजेंट पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर आपको इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा जैसे आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसे थोड़ा सा इस तरह से जूम कर लीजिएगा, यहाँ पे लास्ट तक इसे परफेक्टली आपको रख लेना है, थोड़ा सा और जाएगा और ये रहा, ठीक है। करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से आपको बैक आने के बाद आप यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन देख सकते हैं, इस सेटिंग पे आपको टैप करना है और यहाँ पे इसका जो स्ट्रेंथ है उसे थोड़ा सा कम कर देना है, सॉफ्टनेस रहने दीजिएगा, इतना काफ़ी है। अब आपको क्या करना है, ये वाली इमेज को बिजेंट वाला जो इफेक्ट इसे सेलेक्ट करना है, इसके ड्यूरेशन को भी लास्ट तक कर देना है जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, तो मैंने यहाँ पे कर दिया। करने के बाद कुछ इस तरह से आ रहा है, बट हमें क्या करना है, थ्री डॉट पर क्लिक करना है, इसे सेंड टू बैक कर देना है। फिर से एक बार थ्री डॉट पर क्लिक कीजिएगा और इसे बैरिंग फॉरवर्ड कीजिएगा तो आपका जो पिक्चर बैकग्राउंड में है उसके ऊपर ये आ जाएगा। देन यहाँ पर राइट क्लिक कर लीजिए, अभी आप प्ले करेंगे कुछ इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे जो सॉन्ग हम लगाए थे अब ये काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पे दिख रहा है, क्योंकि व्हाइट व्हाइट लाइडिक्स था तो वो दिख नहीं रहा था, तो अब ये काफ़ी अच्छी तरह से दिख रहा है। अब आपको स्टार्टिंग में आ जाना, लेयर्स पे टैप करना है, मीडियम जाना है, ऑफेंस मीडियम जाने के बाद आपको फिर से एक बार डाउनलोड में जाना है और यहाँ पर एक तो पार्टिकल जो ब्लू स्क्रीन वाला मैंने आपको दिया था उसे ले लीजिएगा। लेने के बाद फ्रेंड्स इसे सिंपली आपको फुल स्क्रीन करना है तो नीचे स्क्रॉल कीजिए, यहाँ पे स्प्लिट स्क्रीन का ऑप्शन देखिए, इस पर टैप करके इसे फुल स्क्रीन कीजिएगा। देन यहाँ से बैक कर दीजिएगा, बैक करने के बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल कीजिए, क्रोमा की पे क्लिक कीजिए और इसे इनेबल कर दीजिए। कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी आप यहाँ से बैक कर दीजिए, अब आपके स्टेटस जो बनकर तैयार हो चुके, आप इसे प्ले करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे और भी जो मटेरियल्स हम यूज़ किए हैं उसमें हो सकता है सॉन्ग लगा हो, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इसे सिंपली सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको मिक्सर का ऑप्शन आता है, इस पर टैप करके यहाँ से म्यूट कर देना है, ठीक है। तो जैसे मैंने फर्स्ट को म्यूट किया, यहाँ से बैक आएंगे, बैक आने के बाद फिर दूसरा वाला सिलेक्ट करते हैं, फिर से यहाँ पर मिक्सर पर क्लिक करते हैं और यहाँ से इसे म्यूट कर देते हैं। तो मैंने म्यूट कर दिया, देन यहाँ से राइट क्लिक करते हैं और फिर यहाँ पर प्ले करके देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारी स्टेटस जो काफ़ी एजली काफ़ी स्मूथली यहाँ पे बनकर तैयार हो चुकी है, अभी इसे सिंपली एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट करने के लिए इस साइड में एरो देख सकते हैं, इस पर टैप कीजिएगा, टैप करना सेव एज वीडियो पे क्लिक कर दीजिएगा, ये वीडियो आपके फोन में सेव हो जाएगी। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, इसी तरह की और भी एडिटिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।